जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। हनीरो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अभी घर के लिए निकलने ही वाली थी। फॉर अ चेंज आज फ्लाइट भी टाइम पे थी और ट्रैफिक भी नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा डायरेक्टली यहीं आ जाता हूँ घर की डुप्लीकेट चाबियां लेने। आई होप कि चाबियां तुम्हारे पास ही है। ऑफ कोर्स चाबियां मेरे पास ही हैं। चलो लेट्स गो। श्योर। चाबियां दे दो इसे। वो एमडी के साथ हमारी मीटिंग है ना अभी? ओ हाँ, मैं भूल कैसे गई। I'm sorry अनिरुद्ध। नो प्रॉब्लम, तुम लोग मीटिंग खत्म कर लो, तब तक मैं कैंटीन जाके कुछ खा के आता हूँ। लेकिन आज घर हम साथ ही जाएंगे। किसी डिवोर्स वाली सहेली के साथ गई है। तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है ना? जाओ घूम क्या? निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी मामा की बचपन से बेस्ट फ्रेंड। सो नाइस टू फाइनली मीट यू ऑल। कौन है? कौन कौन? तू फिर आ गई आंटी। सॉरी। कैसी हैं आप? गले पड़ने का कितना शौक है ना तुझे? जैसे आपको टांग खींचने का है। हाय, आई एम देविका। आप कौन? मैं मामा जी, बाके भाई मामा जी है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। प्लीज टू मीट यू मामा जी। शेम टू शेम। वैसे मैं तुम लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन अनु तुम लोगों के बारे में इतनी बातें करती रहती ना कि आई कैन इजीली गेस कि तुम तो हो बाकी, तुम समर और तुम तोशी, राइट? राइट। ये बस आते ही होंगे। इन्होंने देविका को देख लिया तो ये खाना चाहिए। पचास बार फोन किया अभी और तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। आज क्या हुआ? हाँ, तुमने ये वाली नाइटी क्यों पहनी हुई है? क्योंकि मेरे घर के कपड़े हैं अभी। हाँ, but getting jealous? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वैसे ना अभी जब तुम जेलिस होते हो ना तब तुम और क्यूट लगते हो। अच्छा ठीक है अभी, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? वी अनिरुद्ध वॉशरूम से निकलने ही वाला होगा इसीलिए। हाँ तो अब अनिरुद्ध से छुप के बात करनी पड़ेगी। वी मुझे लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है, यू नो दैट राइट? काव्या तुम रिलैक्स। वी इतना इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है।
इस रेड नाइटी में तुम आज भी बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा भी मैं तुमसे कल बात करती हूँ। क्या What was that? तारीफ। तारीफ कर रहा था तुम्हारी। रिश्ता टूटा है, अभी खत्म नहीं हुआ। थोड़ा सा हक अभी बाकी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक बात ना अनिरुद्ध कान खोल कर सुन लो। You are my past, और मैं अपने past के वजह से अपना present बर्बाद नहीं कर सकती। और हाँ, हम married जरूर हैं, मगर सिर्फ नाम के लिए। इसीलिए कपड़े पहन लो, क्योंकि कहीं अगर तुम बीमार हो गए ना, तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाली हूँ। अरे, वनराज आ गया, देखो। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा वो वंदना, तुम जल्दी आ गए ऑफिस से। ये देखो कौन है, अनु की दोस्त सेविका। देविका। आई नो, मैंने रिमेम्बर छे देविका। हाय, मायसेल्फ देविका। हेलो देविका, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। पढ़ा सुना है आपके बारे में। मैंने भी। अनु ना आपके अलावा और कोई बात ही नहीं करती। हाँ, आपको देखकर समझ में आया क्यों। अनु सो लकी कि उसे आपके जैसा केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल हस्बैंड मिला है। काश मैं भी अनु की तरह लकी होती। क्यों, क्या हुआ? मेरा हस्बैंड ना एक नंबर का चीप और कैरेक्टरलेस था। मुझे चीट करता था, वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ। कैन यू बिलीव इट? Anyways, pleased to meet you. Same here. Actually, कल मैं मुंबई जा रही हूँ, तो आज रात अनु के साथ रुकने का प्लान बनाया। I hope you don't mind. Not at all. पहली बार मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ। वी एक्चुअली वांट टू हैव फन टाइम। यस, फन टाइम। फन टाइम? क्या फन टाइम कर रहे हो? कालिया नाग की फन पे क्या डांस करने वाले हो? हाँ? पढ़ाई कौन करेगा? हाँ, हम एडजस्ट कर लेंगे, जस्ट चिल। अरे रहने दो ना दीदी, अब पता चलेगा कि अपनी बहू जो है वो बचपन में कितनी शैतान थी। सारी पोल खोल देना सेविका। देविका मामा जी। आई नो, मैंने रिमेम्बर से देविका। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं कभी कुछ नहीं भूलता हूँ यार। वो बैग में से मेरा चार्जर ले आओ। हाँ। चाय मुझे कमरे में दे दो। वो
देविका को मैंने नहीं बुलाया, वो अपने आप आ गई बिना बताए। आ गई है तो जाओ एंजॉय करो उसके साथ। आपको बुरा लगा? हाउ डज इट मैटर, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है, आप कहें तो मैं उसे वापस भेज देती हूँ। अभी क्या, अभी वापस? और क्या कहोगी उससे कि तुम्हारा पति तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारे घर आने से रोकता है, तुम्हारे पति को तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारा मिलना अच्छा नहीं लगता है, ये बोलोगी? मैं ऐसा क्यों कहूंगी अपने पति के बारे में? मैं आपका नाम नहीं लूंगी, मैं कोई बहाना बना दूंगी। स्टॉप इट अनुपमा, अगर तुम्हें मेरी खुशी की इतनी परवाह होती तो उस दिन इतने बड़े तमाशे के बाद तुमने अपनी फ्रेंड से अपना रिश्ता तोड़ दिया होता। लेकिन नहीं, तुम तो उसे घर के अंदर ले आई हो। अब मुझे गलत, तुम्हें पता था, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हारी यह सहेली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उसे घर में घुसा लिया। और चलो घुसा लिया तो कम से कम मेरे आने से पहले उसे भेज तो देती। जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, मेरी बात तो तुम रख नहीं सकती, कम से कम उनके आगे मेरी इज्जत तो रख लो। का मूड खराब किए बिना पापा का खाना हजम नहीं होता है ना? ये देविका का बैग है ना, इसे स्वीटी के रूम में रखते हैं। पापा के हजारों दोस्त हैं, स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, बचपन के, ऑफिस के, कॉलोनी के, ट्रेनिंग डेज के, बिजनेस फ्रेंड्स और काव्या, वो जब चाहे वो घर आ सकते हैं, अलाउड है। लेकिन आपके कोई फ्रेंड घर नहीं आ सकता है मम्मी, 25 सालों में एक बार आपकी फ्रेंड घर आई, उसमें भी इशू बन गया। कोई इशू फिशू नहीं है, वो तेरे पापा ने खुद ने कहा है कि मैं देविका के साथ जाके इंजॉय करूं। किस टोन में कहा होगा मैं जानता हूं मम्मी, मेरे ही पापा है, पड़ोसी के नहीं। पापा तो नहीं बदलेंगे मम्मी, तो हम ही अपने आप को थोड़ा बदल लेते हैं। मैं एक बार, बस एक बार पापा ने जो भी कुछ कहा है उसे भुलाकर आप अपनी जिंदगी जीना सीखिए, सिर्फ एक दिन के लिए। 25 सालों से आप वाइफ हो, बहू हो, माँ हो, बस आज के लिए मम्मी आप दोस्त बनकर जियो। अनु यार कहाँ है तू? आ रही हूँ। अरे अभी तो बहुत स्टोरी बाकी है। वाओ क्या खुशबू है अनु। अनु तू तो खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हो गई यार। वो तो होगी, पूरी जिंदगी यही तो किया है। आज गर्मा गर्म खा लो, कल से दो दिन ठंडा खाना है। हाँ व्हाट इज दैट? लो और बनाओ टाटू। ये टाटू बनाने वालों की ना याददाश्त पे असर होता है, अपनी संस्कृति ही भूल जाते। अरे शीतला सातम है, हमारे में दो दिन चूल्हा ठंडा रखना पड़ता है। ऐसा खाना बनाते हैं जिसको गर्म करने की जरूरत ना हो, जैसे थेपला, पात्रा। ओ या, याद आया, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेती हूँ। अनु गैस बंद करने से पहले ना प्लीज मेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बना देना। हाँ और तू अपनी सहेली के साथ गप्पे मारने में भूल मत जाना, दो दिन का खाना बनाना है। ये व्रत तो माँ अपने बच्चों के लिए रखती है ना, तो ये व्रत मैं कैसे भूल सकती हूँ बा? Anyway, मैं क्या कह रही थी वनराज? आ, आ, आ। वनराज वनराज क्या है, डिवोर्स के साथ रिश्ते भी भूल गई? अरे जीजा जी बोल।
बोल सकती हूँ। वैसे जीजा जी बेटर रहेगा, वो क्या है ना, साली बनके फ्लर्ट करने का लाइसेंस जो मिल जाएगा। क्यों है ना वनराज जीजू? माय गॉड, इतने सारे डिशेस, इन्हें देख के ना कोई नहीं कह सकता कि तू वही अनु है जिसे ना खाना बनाने से चिढ़ थी। What? मम्मी को खाना बनाना पसंद नहीं था? नहीं, she used to hate cooking. इसे ना सिर्फ बुक से प्यार था, जब देखो बुक पढ़ती रहती थी। हम तो इसे बुकवर्म बुलाते थे, किताबी कीड़ा ही उसी। What? मम्मी स्टडीज में अच्छी थी? सिर्फ अच्छी नहीं, टॉपर थी, टॉपर। वो तो इसकी जल्दी शादी हो गई, वरना पढ़ लिख कर ना आज कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही होती। देविका, तू खाने? मैं रोटी लेकर आती हूँ गरम गरम। हाँ आंटी, मम्मी के बारे में और बताइए ना। हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं पता उनकी स्कूल लाइफ के बारे में। एग्जैक्टली, मम्मी फर्स्ट आती थी ये भी हमें आज पता चला। अरे तुम्हारी मम्मा ना सिर्फ स्टडीज में नहीं, इनफैक्ट क्लासिकल डांस में भी ना फर्स्ट प्राइज लेकर आती थी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.